फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गनीन फाजा फैमिली व्लॉग्स। एंड फ्रेंड्स, मैं सुबह फ्रेश वगैरह होके ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। ऑटो वाले अंकल का वेट कर रही हूँ। हेलो मी, हेलो। ये फातिमा ने मुँह छुपा लिया। फ्रेंड्स, ये देखे, ये देखे, ये देखे। फातिमा मुँह दिखाओ अपना, फातिमा मुँह दिखाओ, 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 दिखाओ। एंड फ्रेंड्स, बारिश के बाद सोसाइटी इतनी खूबसूरत हो गई है, बहुत ब्यूटीफुल। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बाहर आई थी, एक चक्कर लगा के गई थी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। फॉल सीज़न है और प्लांट्स भी जो हैं इतने फ्रेश हो गए हैं, धो धुला के माशाल्लाह साफ़ हो गए। जितना मर्जी इनको वैसे पानी दो, लेकिन जो ये बारिश से वॉश होकर और ऐसे फ्रेश हो जाते हैं ना, ब्यूटीफुल। और परिंदे भी मौसम को इन्जॉय कर रहे हैं हमारी तरह से, लेकिन ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है, इसकी वजह से आज मैं हिबा को नहीं लेके जा रही। कल इंशाल्लाह ताला लाजमी लेके जाऊँगी। एंड फ्रेंड्स, मैं अपना बैग भी रेडी कर लेती हूँ ताकि ऑटो वाले अंकल को वेट ना करवाना पड़े। जैसे ही वो आए मैं फ़ौरन बाहर चली जाऊँ। बस अंकल के आने का बिल्कुल टाइम हो गया है, तो मैं अपना मोबाइल वगैरह पकड़ती हूँ और आपसे मिलती हूँ स्कूल से वापस आके। फ्रेंड्स, अभी मैं घर आ गई हूँ। मेरी फैमिली भी बाहर इंजॉय कर रही है। जब मैं आई थी तो गनी और अलीना बाहर ही वॉक कर रहे थे, एंड मैं भी बाहर ही आ गई हूँ। हवा बहुत ठंडी चल रही है, लेकिन फिर भी सर्दी की वो सूरत हाल नहीं है। मीन्स मौसम खुशगवार ही है तकरीबन। बाद में काली एक सफ़ेद पोनी लगा के ब्लैक एंड व्हाइट पहन गई है, और शर्ट भी इसने ब्लैक एंड व्हाइट पहना हुआ है। तो आज बाद में पूरी की पूरी ब्लैक एंड व्हाइट बनी हुई है। वैसे तो मैंने भी स्वेटर जो है ब्लैक एंड व्हाइट ही पहना हुआ है। फ्रेंड्स, अभी रात हो गई है। गनी लिया है मिल्क लेने। मिल्क लेकर आता है तो सबके लिए चाय वगैरह बनाती हूँ। बारिश के बाद लाहौर का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है। एंड फ्रेंड्स, कल जो ड्रामा था जिसकी 12-13 एपिसोड हमने कल देखी थी, वो आज फाइनली हम लोगों ने खड़का दिया है। मम्मी, कैसा लगा आपको एंड? ऐसे ही होता है, क्लाइमेक्स में सारा मजा होता है, एंडिंग में तो सारे मामला सेटल हो जाते हैं। और अम्मी, कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस? कि कोई सस्पेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, एक किस खत्म अगली शुरू, एक खत्म अगली शुरू, है ना? बहुत मजा आया। टेक्नोलॉजी के मजे है ना, सारे टेक्नोलॉजी के। पहले कैसे होता था, एक किस खत्म अगले हफ्ते तक सस्पेंस में क्या होगा क्या होगा, अब तो इधर किस खत्म इधर शुरू। अब ऐसे ही करो कि जो ड्रामा खत्म हो जाएगा उसी को देखना है। हाँ, 2-3 महीने और सुने, बड़े अच्छे आ रहे हैं। ओके जी फातिमा, कॉमन। ओके ओके फ्रेंड्स, अम्मी खाने के लिए क्या बनना है? मटर पुलाव। ओके, मटर निकाले? नहीं। फ्रेंड्स, मटर पुलाव के लिए मैं निकाल लूँ मटर। ये हमने छील के रखे हुए निकाल लिए मैंने। तो अम्मी, चावल भी बस आज के ही हैं। चलो, कल तो राशन मिल के आ ही जाएगा। ओके, इंशाल्लाह। फ्रेंड, 31st हो गया, मंथ एंड हो गया, हमारी ग्रोसरी भी ऑलमोस्ट एंड हो रही है। चावल मेरे घर में बस आज के हमारे पूरे होंगे, तो आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। अम्मी ने और मैंने ये डिसाइड किया था कि अगर थोड़े ज़्यादा हुए तो बिरयानी बना लेंगे, थोड़े कम हुए तो दाल चावल या मटर पुलाव बना लेंगे। तो हमें थोड़े कम लगे थे तो हमने मटर पुलाव का डिसाइड कर लिया, क्योंकि मटर पुलाव के साथ अम्मी ने मेरे लिए बहुत 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 मजे का अचार भी बना रखा है। अगर किसी को उसकी रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर पूरी डिटेल के साथ कमेंट्स के अंदर बता दूंगी कि कैसे कैसे आप उसको बना सकते हैं। बहुत मजे का लिक्विड अचार होता है। एंड फ्रेंड्स, अभी मैं डिनर की तैयारी करूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आलू मटर का पुलाव जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। गनी के बस किसी काम से जैसे ही वो आता है तो खाना सर्व करते हैं, और चावलों की फाइनल लुक भी देखने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके। बस इसको ढक रही हूँ ताकि गर्म रहे, ठंड बहुत है। ये हाल है कि किचन से बाहर ले जाते जाते खाना ठंडा रहता है। जैसे गनी आता है खाना सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ स्पेशल मटर पुलाव और मेरा जो स्पेशल अचार है उसके साथ कैसे लगते हैं ये चावल। आलू मटर के चावल बिल्कुल रेडी होने वाले हैं। आलू मटर के साथ है दो किस्म का अचार, एक जो अम्मी से बनवाया था। जी गुड़िया, आपने कभी भी नहीं दिया, आप आज क्या ये अपने हाथ से पिला दो। दवाई ना, दवाई हाँ दवाई है, बड़ी मजेदार होती है, मजेदार है ना भाई। सालन निकाल चावल निकालने से पहले मैं निकाल लेती हूँ अपना अचार, मस्त अचार जो मैंने अभी से स्पेशल बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख भी लें फ्रेंड्स, ये कैरेट, ये शलजम, ये मूली, बाबा मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। वाह, खुशबू ही क्या शानदार है, मजा। अभी इसको बाकी को मैं रख देती हूँ। और ये वाले दोनों अचार, एक तो ये जो है वो रेडीमेड पैकेट का अचार, और ये हमारा घर का पानी वाला, ये दोनों अपने हमने तैयार किए। हिबा बैठे, आपको राइस देती हूँ। देखती
बिस्मिल्लाह फ्रेंड्स, ये सर्दियों की स्पेशल डिश आलू मटर के चावल भाप उड़ाते हुए रेडी हैं, तो डिनर कर लो उसके बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, इतना मज़े का मेरी पसंद का डिनर था आलू मटर का पुलाव और पानी वाला अचार के नाम पे कुछ लोग हैरान तो होते होंगे ये क्या है पानी वाला अचार। एंड फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्पेशल अचार है। मेरे से रेसिपी लेनी है तो मेरे से ले लीजिएगा, वरना यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको ये रेसिपी मिल ही जाएगी। कोई भी बाइक आए फ्रेंड्स, पता नहीं मैं सहम से जाती हूँ, जब से मेरा मोबाइल स्नैचिंग हुई है बहुत डर जाती हूँ। और बहुत ठंडी हवा चल रही है, फातिमा बना रही थी चाय, तो मैं और अलीन आ गए हैं बाहर वॉक करने, 3-4 चक्कर लगाते हैं, इतनी देर में हम घर के बाहर ही हैं। फातिमा वास्ते लेके तो घर जाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे, और सुबह टाइमिंग दोबारा से बैक हो गई है, जो हमारी 9:30 थी वो वापस चले गई है अब 8:15 पे। तो सुबह हमने घर से निकलना है 7:30 पे, मीन्स उठना पड़ेगा उससे भी अर्ली, तो इंशाल्लाह ताला टाइम पे पढ़ने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। गनी एंड फैजा फैमिली व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।